दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। एक ऐसा बिज़नेस जो आपको हर महीने 1,30,000 से ज़्यादा की ही अर्निंग देने वाला है। दोस्तों, बिज़नेस इतना बेहतरीन खूबसूरत है कि वीडियो के अंत में आप खुद लाइक करने से वीडियो को चूक नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैं डायरेक्ट बिज़नेस पर आता हूं। एक लड़का मुझसे पूछा कि बताइए, मैं किस तरह के बिज़नेस को अपने गाँव में करूं? चूँकि वो गांव है तो वहाँ का बिज़नेस वैसा ही होना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि आप एक किराना स्टोर डाल दीजिए। उसने बोला कि ये क्या बिज़नेस आइडिया हुआ, मेरे गांव में ऑलरेडी 3 से 4 किराने दुकान ऐसे हैं कि पूरे गांव वाले उनसे जाके सामान खरीदते हैं। चारों दुकान गांव के चारों कोने पर है कि वहाँ पर 5वें दुकान की गुंजाइश तक नहीं है। चूँकि हमारा गांव बहुत बड़ा है, बावजूद इसके 5वें दुकान की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने बोला कि हर एक घर उन्हीं चारों दुकान में रोटेट होती है। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि वो चारों दुकान कहाँ से माल का उठाव करती है, क्योंकि वो क्योंकि गांव में है, उनको कहीं ना कहीं से माल चाहिए ताकि वो गांव वालों को सप्लाई दे सके। तो उसने बताया कि वो तकरीबन 9 किलोमीटर दूर उनके गांव से एक मार्केट है, वहां से जाकर वो माल का उठाव करते हैं। महीने में 1 या 2 बार वहां जाते हैं और वहां जाकर के टेम्पू के माध्यम से या छोटी पिकअप के माध्यम से या जैसे भी हो, वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से माल को अपने पास लेकर आते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब वो मार्केट से सामान लेने के लिए जाते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनसे पैसे लेते हैं, या ये बताइए कि एक राउंड में उनके क्या खर्चे हो जाते होंगे। उस लड़के ने मुझसे बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो 9 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ किसी बड़े होलसेलर से बात करके वहाँ से सस्ती कीमत पर माल अगर लेकर आकर महंगी कीमत पर गांव में बेच रहे हैं, तो अगर 1,000 रुपये प्रति ट्रांसपोर्टेशन अगर उनको लग भी जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रांसपोर्टेशन के पीछे 1,000 रुपये नहीं दोस्तों, वो अपनी गाड़ी में तेल लगाकर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ नाश्ते पानी के पीछे खर्च हो जाता है। अब मार्केट जाते हैं तो और भी बहुत सारे खर्चे उनके हो जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जो माल ढुलाई होता है होलसेलर के पास, जो भी माल उन्होंने निकलवाया है उसको जो लेबर होते हैं वो ढो ढोकर इनके गाड़ी पर चार चक्के पर जो रखते हैं वो, और फिर जब वो अपने घर उसको लेकर आते हैं तो वहां से दुकान में जो रखते हैं वो, यानी 2 बार माल ढुलाई का उनको कॉस्टिंग आता है। टोटल 1,000 रुपये लगभग 1 बार सामान खरीदारी में उनको लग जाता है। महीने में तकरीबन वो 2 बार जाते हैं तो 2,000 रुपये हर महीने उनको एक्स्ट्रा खर्च आता है। जैसे ही उस लड़के ने मुझे ये जानकारी दी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया जो कि मुझे उसको बताना था। जैसे ही मैंने उसको बताया, वो पूरा खेल समझ गया, बहुत खुश हो गया। दोस्तों, मैंने उससे बताया कि आपके गांव में 4 दुकान हैं, आप एक दुकान को, कम से कम एक दुकान को गोद ले लीजिए। गोद लेने का मतलब क्या हुआ, आप उनको उसी कीमत पर या 1 रुपये सस्ती कीमत पर वही माल उनके गाँव में दीजिए। वो बोला ये कैसे होगा। मैंने बोला कि आप जाइए बड़ी मार्केट में, उनको बोलिए कि मैं आपसे एक रिटेलर के रूप में नहीं आया हूँ, मैं आपसे एक होलसेलर के रूप में माल खरीदने आया हूँ। जो बड़े होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, वो एक छोटे होलसेलर को माल देंगे, ये कॉन्सेप्ट उनको समझाइए। थोड़ी पूंजी आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन आपको एक दुकान में कम से कम सप्लाई करने के लिए माल लेकर एक बार में आना पड़ेगा। फिर आपको उस दुकानदार के पास जाना और बोलना है कि आपका मैं एक बार का 1,000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन बचा सकता हूँ, आप हल्दी, नमक, चीनी, मिर्ची, धनिया, तेल, चावल, आटा, जो भी लाते हैं, जिस कीमत पर लाते हैं, मैं उसको 1 से 2 रुपये सस्ती कीमत पर आपको इसी गांव में उपलब्ध करा दूंगा अगर आप मुझसे सामान खरीदते हैं। दुकानदार को भला क्या हर्ज हो सकता है? वो हो सकता है कि क्रॉस चेक करेंगे, जाएंगे उस मार्केट में एक बार, उनको विश्वास नहीं होगा, या फ़ोन के माध्यम से उस होलसेलर से बात करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, और जब प्राइस सेम हो जाएगा वो आपसे माल लेंगे। फिर माल की क्वालिटी भी वो चेक करेंगे, आप क्योंकि उन्हीं से माल लेकर आए हैं या और किसी बड़ी मंडी से लेकर आए हैं तो माल की क्वालिटी अच्छी होगी, निश्चित रूप से वो आपसे खरीदारी करेंगे। दोस्तों, जब यहां से आपको मुनाफा होगा, एक दुकानदार महीने में आपको 20 से 25 हज़ार रुपए का निश्चित रूप से मुनाफा देगा, कोई शक नहीं है। अभी दोस्तों आपने एक दुकान को सप्लाई देना शुरू कर दिया है, यानी अपने गांव के 1/4 हिस्से के घर में आपका माल पहुंचना शुरू हो गया है किराने दुकान का। अभी दोस्तों आपको बाकी के 3 दुकानों में भी जाकर के बात करना पड़ेगा। मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मैंने उस लड़के को जो बताया था एग्जैक्ट बात मैं आपसे बता रहा हूँ। आपके गांव में चाहे जितने भी दुकान हैं, आपको सारे दुकानों को गोद ले लेना पड़ेगा। अपने गांव के हर एक किराना दुकान को आपको माल सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही उस लड़के ने मुझे बोला था कि 4 दुकान है, चारों में गांव के सारे लोग जाते हैं, 5वें दुकान की गुंजाइश नहीं है, मैंने उसे एक ऐसा आइडिया दिया कि चारों दुकान उनसे सामान खरीदेंगे। अब यहाँ लॉजिक क्या हुआ कि सारे लोग 4 दुकान से सामान खरीद रहे हैं और वो 4 दुकान इस लड़के से सामान खरीद रहा है। ये बताइए, टेक्निकली पूरा गांव उससे माल खरीद रहा है या नहीं? दोस्तों, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप किराने दुकान के क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। कोई एक ऐसा किचन नहीं है, कोई एक ऐसा इंसान नहीं है इस पूरे धरती पर जो बिना किराने आइटम का जिंदा रहता हो।
हर एक घर में चूल्हे किसी दिन बंद होने वाले नहीं हैं, यानी किराना दुकान कभी बंद नहीं होगा। लॉकडाउन जैसे विकराल स्वरूप को देखने के बाद तो ये और एहसास हो गया है कि हर एक चीज़ बंद हो सकती है लेकिन किराना दुकान कभी बंद नहीं हो सकती। दोस्तों, एक दुकान से एवरेज मंथली आपको तकरीबन 20,000 रुपये की कमाई होगी। अगर आपने 4 दुकानों को गोद लिया है तो तकरीबन 80,000 रुपये आप कमाएंगे। और आप होलसेलर है तो रिटेल में भी माल जरूर बेचिए। आपको करना क्या है, आपने काउंटर डाला हुआ है, वहाँ रिटेल में भी कुछ ग्राहक आपसे सामान खरीदने लग जाएंगे। न सिर्फ आपके गाँव के बल्कि आसपास के गाँव के भी दुकानदार आपसे माल उठाव करना शुरू कर देंगे। हर किसी को हर महीने अगर 2,000 रुपये की बचत ट्रांसपोर्टेशन के और अन्य खर्चों को अगर पीछे जो 1,000 रुपये के 2,000 रुपये के खर्चे आते हैं वो बच रहा है, निश्चित रूप से आपसे खरीदारी करेंगे। अगर रिटेल की बात करूं तो 30,000 रुपये भी अगर आप हर महीने रिटेल से कमा रहे हैं तो 80,000 वो और तकरीबन 30,000 इधर, तकरीबन 1,25,00,000 रुपये की आमदनी आप हर महीने करने वाले हैं। आपका साख बना सो अलग, प्रॉफिट हो रहा है सो अलग। दोस्तों, परसों की वीडियो मैंने आपको बताया था, जिसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, कि आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार तकरीबन 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, फिर लाइफ टाइम आपको प्रतिदिन 2,000 के हिसाब से भी आमदनी हो सकती है। वीडियो क्या है, क्या करना है, सारी जानकारी आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो पहला लिंक है वो डेमो लिंक है, उसको जाकर आप क्लिक करके देखें। वही काम कराकर आपको हर दिन 1,000-2,000 रुपये की आमदनी होगी। काम क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, पूरी जानकारी वहां से आप हमारे मैनेजर से ले सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए अपार शुभकामनाएं करते हुए मिलता हूं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।